हेलो गाइस, वेलकम टू रेडिएशन प्लस। सो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। सो गाइस, जो हमारा चैनल है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, लाइकेंस इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन। ओके, SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, ऑप्शन दिया एल्गा और फंगा के बीच का एसोसिएशन, ग्रो फास्ट देन अदर्स, आर सेंसिटिव टू SO2, या फिर फ्लरिश इन SO2 रिच एनवायरनमेंट। अगर आपने सर इकोलॉजी सही से पढ़ा है, NCERT बायोलॉजी, ओके, तो उसमें मेंशनड है कि जो लाइकेंस रहते हैं दे आर सेंसिटिव टू SO2, तो मतलब जहाँ पे SO2 ज़्यादा है वहाँ पे ग्रो नहीं होगा लाइकेन। तो आंसर विल बी नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ओके, आपको गलत स्टेटमेंट को चूज़ करना है। पहला ऑप्शन दिया है वायरस कंटेन ईदर DNA और RNA, सेकेंड दिया है वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट बोला कंटेन ईदर, मेरे को पता है कि वायरस के अंदर या तो DNA होगा या RNA होगा, कभी भी दोनों नहीं रहता। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, वायरसेस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, तो यार ये वाला तो गलत हो गया। अब सही कौन सा हुआ है, तो सही ऊपर वाला आपको सही मिला। थर्ड नंबर चेक करते, द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, यस ये वाला लाइन सही जा रहा है। एंड TMV टोबैको मोजाइक वायरस हैव RNA, डेफिनेटली दे उनके पास RNA। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा मिला, नंबर 2, ये वाला याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन दे दिया। देखिए सर यहाँ पे बोला अनएक्सेप्शनली, अनएक्सेप्शनली याद करिए सर, रिप्रोडक्शन या फिर ग्रोथ एंड मूवमेंट, वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है सब कुछ भाई साहब एक्सेप्शन रहते हैं इसमें। जैसे रिप्रोडक्शन में यार स्टेराइल कपल हो गए, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बेसिकली याद है ना आप लोगों को कि जैसे बहुत सारे एनिमल्स में स्टेरिलिटी रहती है तो फिर ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ग्रोथ एंड मूवमेंट उसको भी एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं माना गया है। तो उसके बाद वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नेवर ए लाइक क्राइटेरिया। उसके बाद ऑप्शन बचा कॉन्शियसनेस। आप लोग अगर NCERT बायोलॉजी पढ़े हो इस चैप्टर का, NCERT बायोलॉजी हैज़ मेंशनड कि कॉन्शियसनेस इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग, बोलते हैं कि जिसे आप अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और भी वो एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है तो डेफिनेटली कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन हैविंग, क्या होगा सर इसका आंसर, इन हैविंग क्या होना चाहिए। भैया याद रखिए आर्की बैक्टीरिया जो है ना उनका वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, तो उनका सेल वॉल में ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट मैच इसमें क्या हो सकता है। चलिए अब देखिए इनकरेक्ट मैच, चलिए आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट, ये तो सही था। प्रोटोजोअन्स आर प्रीडेटर और पैरासाइट, एकदम सही लाइन है सर। एग्जाम्पल एक प्रोटोजोअन का आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए। डाई एटम्स लिव इन मरीन एनवायरनमेंट, दिस इज सही। बट यहाँ पे जो डायनोफ्लैजेलेट के बारे में लिखा है, इट हैज बिन रिटन कि डायनोफ्लैजेलेट्स फ्रेश वाटर में, ये गलत आ गया है। यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होता, यही गलत आ गया है। दे आर नॉट ऑफ फ्रेश वाटर, याद रखिएगा वो फ्रेश वाटर के नहीं है। तो फिर कौन सा वाटर बचा, ऑब्वियसली यस यस यस, जो आप आंसर सोच रहे हो फ्रेश नहीं है तो कौन सा वाटर होना चाहिए, याद रख लेना। और अगर डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है सर, एकदम मस्त से क्वेश्चन दिया है कि भैया अब आपको आंसर करना है। चलिए देखते हैं, नंबर 1 आर्मर्ड एल्गी, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है। ओके, जैसे आप लोग याद है, अगर आपको NCERT पढ़े तो डेस्मिड का गोल्डन एल्गी ये तो याद होगा, मतलब C का 4 मिल रहा है, तो C का 4 कहाँ कहाँ दिया, नंबर 1 एंड थर्ड ऑप्शन में। ओके, चलिए थर्ड ऑप्शन में अब याद करिए सर, आपको क्या लिख दिया गया है, आपको स्लाइम मोल्ड्स का लिख दिया गया है, नेकेड फंजाई। अगर ये वाला भी याद है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप कैसे रिमेंबर रखोगे कि भैया जैसे ही आपको बोला गया डायटम में याद है क्राइसोफाइट वाली वो सब वाली कहानी आ रही, तो क्राइसोलैमिनेरियन दिखा हुआ है आपके, देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, तो आप उससे याद रख सकते हो। चलिए तो आंसर क्या होता, नंबर 3 होता सर आंसर, ठीक है। तो 1 का 3 आर्मर्ड एल्गी से क्या निकलते हैं, टॉक्सिन डाइनोजैंथिन,
ठीक है, डाई डाइनोजाइंथेंस बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं उनके, इनके कलर ये सब के लिए ये सब, ठीक है, पिगमेंट्स है बेसिकली जैंथिन और डाई। ओके आगे बढ़ते हैं अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस मशरूम इज, सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन है? अमानिता मस्कारियाना है सर, मस्कारिया, ठीक है, अमानिता है ये, अमानिता, याद रखिएगा मशरूम पॉइजनिंग इसी इसी वाले मशरूम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल, याद करिए जब स्टोमाटा पढ़ते थे तो उसमें गार्ड सेल आता था, याद है, स्टोमाटल पोर को ऐसे अपर्चर को ऐसे बचा के रखता है, बीन शेप गार्ड सेल किस में होता है, याद है ना, डाइकॉट्स, और डम्बल शेप्ड गार्ड सेल किस में होता है, मोनोकॉट्स में। डन, अब याद रखिएगा गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल, एपिडर्मिस के पार्ट था ये, एपिडर्मिस का ही पार्ट आ रहा है, गार्ड सेल हो गए क्योंकि ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो गार्ड सेल में क्या आता है ना, क्या प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल हैज क्लोरोप्लास्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है गार्ड सेल, उसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट, नाइट्रेट एसिमिलेशन इन प्लांट रिक्वायर डैश एंजाइम इन साइटोप्लाज्म एंड इज ए डैश प्रोसेस, याद करिए नाइट्रेट रिडक्टेज बोल के एक एंजाइम था, और वो कैसा प्रोडक्ट था यार, रिडक्टेज है तो कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसा प्रोसेस होना चाहिए, ऑब्वियसली रिडक्टिव प्रोसेस, ऑब्वियसली रिडक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इफ इन ए वोमेन, ये वाला हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको समझाऊंगा। बोला है एक वोमेन में रिप्रोडक्टिव लाइफ लास्टेड फॉर 40 ईयर्स, डन, 40 ईयर्स, एंड मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब उसका आपका क्या बोलते हैं, मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक जो एज है वो था 40 ईयर्स, ठीक है, मतलब 40 ईयर्स मेना, अगर आप बोलोगे मेनोपॉज माइनस मेनार्क, ओके, तो 40 ईयर्स आएगा, इतना समझ आया। इसका आंसर अगर आप दे सकते हो तो बताइएगा। अब बोला गया है कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी, याद करिए अगर एक ओवम रिलीज हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रही है, एक पोलर बॉडी भी रिलीज हो रही है ना, तो 40 ईयर्स में क्या करना पड़ेगा आपको, 40 × 12 कर दोगे, 40 × 12, क्योंकि हर महीने एक आती है ना, और याद है एक महीने क्या हो गया, अगर जैसे एक महीने राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी से आई तो अगले महीने राइट ओवरी से आती है, याद है ना, तो ऑब्वियसली हर महीने अलग अलग ओवरी से आती है, कभी एक से इससे, एक बार इससे तो अगले बार उससे, तो टोटल कितने भैया, और हर महीने तो एक ही निकलता है, तो 40 ईयर्स में क्या करना पड़ेगा, 40 × 12 करोगे आंसर, 40 × 12 तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 480, और आंसर आपको दिख रहा है 480 to 520। अब आप बोलोगे ये वाला आंसर क्यों दिया सर, रीज़न बताइए। देखिए कभी कभी साइकिल का लेंथ जो है चेंज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वहाँ से आपको आंसर हिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ओके, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज, याद करिए क्या चीज़ से था ये, फुल आता कहाँ से था बताइए, फुल्ली मैच्योर्ड प्लेसेंटा और फुल्ली मैच्योर्ड क्या था, फीटस से, याद है, अब आंसर क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यस, प्लेसेंटा, और थर्ड ऑप्शन दिया है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, अरे फीटस के पिट्यूटरी से थोड़ी होता है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैटरनल पिट्यूटरी इज रेस्पॉन्सिबल, तो इसमें आपको आंसर देखो दो तो करेक्ट मिल रहे हैं, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, तो आंसर होगा नंबर 4, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर, ओके, एक्रोसोम, ये जो याद है स्पर्म के ऊपर जो एक लेयर था, एक्रोसोम का लेयर जो है हमारे, ऐसे एक्रोसोम का लेयर, ये जो एक्रोसोम का लेयर है क्या चीज से बना था, एक्रोसोम का लेयर, दिस इज गॉल्गी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ओके, ये वाला है आपको एनसीईआरटी में एक दो मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा, याद करिए ये कैसा एंडोस्पर्म था, ये वाला याद है, फ्री न्यूक्लियर, ये था फ्री न्यूक्लियर, और ये सेलुलर, और ये एक थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म होता है जिसका नाम है हिलियोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन, प्रोटोजोन एसटीडी कौन सा है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस किससे होता है, ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द शूट टिप सेल्स, ओके, शूट टिप सेल्स ऑफ राइस प्लांट इज 24, और एंडोस्पर्म पूछा, याद रखिए पहले शूट टिप का सेल क्या होता है, 2n होता है ना, शूट टिप का सेल तो 2n होता है, डन, 2n इज इक्वल टू कितना दिया आपको, 24 दिया है, ओके, ये भी डन, 2n इज इक्वल टू अगर आपको 24 दिया है, ये आपका डन हो चुका है। देन आपको क्या फाइंड करना है, बोला एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कितना होता है सर, 3n, अब बताइए 3n की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए यार, जब 2n 24 है तो n कितना हो गया, 12 हो गया, 3n कितना हो गया, 36 हो गया, तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता सर, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या सर, ओके, द स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, द स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम अपियर इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में अपियर कब करता है, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट्स बोला क्वेश्चन, देखिए स्पोरोजॉइट्स, जब मच्छर मतलब
वो जो आपके फीमेल वेक्टर जब काटेगी एनोफिलिस की, तभी तो आपको क्या होगा, तभी तो आपके स्पोरोजॉइट्स के जो है आएंगे ब्लड में, स्पोरोजॉइट्स ब्लड में आएंगे। तो आंसर क्या होता है, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ओके, ये वाला थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, स्टिल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि नीट में एक दो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। बोला आई जी ए डाइमर, आई जी ए इज डाइमर, डाइमर का मतलब होता है एक ऐसे, देखिए बेसिकली क्या होता है ना, एक एंटीबॉडी मान लीजिए यहाँ बना है एक एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इधर नीचे लगा हुआ है, वो दो जन अटैच है, मैं इधर एक रफ प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, तो उसको डाइमर बोल दिया जाता है, ठीक है। एंड याद रखिएगा आई जी ई इज मोनोमर एंड आई जी एम इज ऑलवेज पेंटामर, आई जी एम पेंटामर होता है। एंड आई जी डी, अब इसमें क्या लिखा है, आई जी जी के बारे में लिखा है, आई जी जी इज मोनोमर बट आई जी जी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता है, मेम्ब्रेन बी सेल के मेम्ब्रेन से अटैच पता है कौन सा एंटीबॉडी होता है, आई जी डी, आई जी डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर, चलिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज इनकरेक्टली मैंशनड, इनकरेक्ट। ओके चलिए देखते हैं, ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको, अगर मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ सीखना है तो वो भी सिखा दे रहा हूँ। इधर दिया है सर स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन का पता है बेसिकली क्या नाम है, इधर स्टीएप्सिन का नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अब आप मेरे को बताओ पेनक्रियाटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, पेनक्रियाटिक अमाइलेज नहीं है ये, ठीक है मैं वही बोलने वाला था फ्लो फ्लो में, ठीक है। स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन है पेनक्रियाटिक लाइपेज, क्या है लिख लेना, पेनक्रियाटिक लाइपेज। और जो मैं अमाइलोप्सिन होता है, अमाइलोप्सिन क्या नाम है, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन ठीक है, अमाइलोप्सिन है वो पेनक्रिया से निकलता है, उस वो क्या है, उसका नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज का नाम क्या है, स्टीएप्सिन बोल रहे हैं। ओके अब बारी आती है स्टीएप्सिन का फंक्शन क्या होना चाहिए, पेनक्रियाटिक लाइपेज तो ऑब्वियसली लिपिड को ब्रेक करता है, यहाँ तो न्यूक्लियोसाइड को लिखा है ब्रेक कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना स्टेटमेंट, तो यही वाला इनकरेक्टली मैच्ड है और बाकी सब सही है। ओके अब आप बोलोगे भैया मिल्क प्रोटीन कोअगुलेशन, अरे यार मिल्क का प्रोटीन जब और ब्रेक हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा था, पूरा ब्रेक नहीं होता, तो उसको कोअगुलेट करने में काइमोट्रिप्सिन मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए निम्फ ऑफ कॉकरोच रिजेंबल्स अडल्ट इन जनरल स्ट्रक्चर, ओके नाउ उस बट लैक्स, क्या चीज़ की कमी रहती है निम्फ में, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, विंग्स और मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो तुक्के से भी आप सही मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके पैरासिम्पैथेटिक, पहले आज सीख लो यार पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का डिफरेंस। सिंपैथेटिक है भैया टेंशन वाला सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक है चिल वाला सिस्टम, एकदम चिल। तो अगर आप एकदम चिल मूड में बैठे हो तो आपका हार्ट रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ हर्ट लिखा है उसको काट दो पैरासिम्पैथेटिक में। एंड अगर आप चिल बैठे हो तो आपको पसीना आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी काट दो, ठीक है। अब ऑप्शन क्या बचा, नंबर 4 आंसर निकल गया, तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने का, कि आप एलिमिनेट करते जाओ, बेसिकली एलिमिनेट कर रहोगे आंसर निकल जाएगा। ओके अब आप बोलोगे सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, अगर जब आप नीट का पेपर देने बैठ रहे हो तब आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, या फिर जब आप नीट की रिजल्ट चेक करोगे तब आपका सिंपैथेटिक, बोलते हैं ना टेंशन आ रहा है पसीना पसीना हो रहा है, और पैरासिंपैथेटिक अरे मूवी देखने गए हो मज़े से चिल मार रहे हो खाना पीना खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड, और खाना पीना खा रहे हो मजे कर रहे हो तो सैलिवरी ग्लैंड से ज्यादा सलाइवा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला सर मैचिंग है, ये वाला मैचिंग अगर मैं आपको बताऊं इकोलॉजी का एकदम डेट्स उठा के दिया है, कुछ नहीं करना है आप, देखो वाटर एक्ट देख लो और इन्वायरमेंट एक्ट, ये दो तो याद रहता था, वाटर एक्ट था 1974 तो वो वाला याद रहेगा, एंड इन्वायरमेंट एक्ट 1986, देखो सी और डी देख के भी आप आंसर रेट कर सकते हो, देखा सी देख के तो आप आंसर रेट कर सकते हो, ठीक है किसी का 4 होते ही आप आंसर रेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। ओके ए पर्सन एलर्जिक टू पल्सेस, अगर किसी को पल्सेस से एलर्जी है, पल्सेस मतलब प्रोटीन का सोर्स, उससे एलर्जी है, तो क्या करोगे आप, स्पिरुलिना के कैप्सूल्स दोगे बेसिकली, ठीक है स्पिरुलिना, और वो क्या चीज़ में रिच होंगे, ऑब्वियसली प्रोटीन में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया वेयर अर्ली और लेट सेकेंडरी सक्सेशन, याद करिए सर हम लोग सक्सेशन के बारे में पढ़े थे, हाँ पढ़े हैं ना इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसी में बोला है कि कहीं कौन सा एरिया पे, ठीक है कौन सा एरिया पे अर्ली या फिर लेट सेकेंडरी सक्सेशन नहीं हो सकता, बोले नॉट एन एरिया, ठीक है अब आप मेरे को बताइए कहाँ पे नहीं हो सकता है, न्यूली एक्सपोज सी फ्लोर पे नहीं हो सकता है, याद रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके इफ़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट
प्रेजेंट ऑन लैग जेड जीन, ये वाला आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ आपको क्या याद रखना। लैक जेड जैसी बोल दिया, लैक जेड मतलब कलर से रिलेटेड है। आज ये वाला खाली याद रख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी भी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। लैक जेड जीन जैसी बोल दिया आपको, आप याद रखिए कलर, तो जैसी कलर दिखा या क्रोमोजेनिक सब्सटेंस दिखा और आप आंसर रीड करिएगा। ओके, और अगर कभी आपको बोल दिया जाए एम्पीसिलिन वाला मीडियम या वो वाला मीडियम, वो वाला अलग कहानी होती है। उसमें क्या किया गया था, उसमें कौन सा प्लाज्मिड लिया गया था याद है? पीबीआर लिया गया था, जिसमें आपका टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन वाले मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।